बड़ी खबर, जम्मू के बस अड्डे पर ग्रेनेड हमला, 10 लोग जख्मी, एक व्यक्ति की मौत। जम्मू शहर में बस स्टैंड पर खड़ी बस में गुरुवार को अज्ञात हमलावर द्वारा ग्रेनेड धमाका किया गया। इसमें 30 लोग जख्मी हो गए हैं और एक युवक की जगह पर ही मौत हो चुकी है। धमाके के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। इसके चलते हमलावर की तलाश शुरू कर दी है। धमाके के बाद मौके पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। हालांकि किसी भी आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। इस धमाके में कई लोग घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि 14 फरवरी को पुलवामा में हुए हमले के बाद जम्मू में अलर्ट जारी था। जम्मू के भीड़भाड़ वाले इलाके में काफी सुरक्षा थी, लेकिन इसके बावजूद भी बस अड्डे पर ग्रेनेड ब्लास्ट हो गया और इस घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए गए हैं। DGCISF ने जानकारी दी है कि सभी यूनिट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS News Live की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।